नगरपालिका सीएमओ को न्यायालय आदेश की अनदेखी करना महंगा पड़ गया। सीएमओ कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट की टीम नगरपालिका सीएमओ के चैंबर के सामान की कुर्की करने पहुंच गई। न्यायालय के आदेशिका वाहक आरक्षक द्वारा सीएमओ के चैंबर की कुर्सी टेबल दो पंखे सहित एसी को जब्त किया है। कोर्ट के वारंट की तामीली पालन करने जब कोर्ट की टीम पहुंची तो मौके पर सीएमओ माधुरी शर्मा नदारद मिली। फरियादी काशी प्रसाद साहू ने बताया कि लोक उपयोगी सेवाएं स्थायी अदालत द्वारा 16 नवंबर 2022 को छत्रसाल चौराहे पर देवी मंदिर से पुरानी ईदगाह तक नाली के निर्माण के लिए आदेश पारित किया गया था, जिसका पालन न करने की वजह से काशी प्रसाद ने सीएमओ के विरुद्ध निष्पादन प्रकरण सिविल कोर्ट में लगाया था। काशी प्रसाद के अनुसार 14 अगस्त को सीएमओ ने न्यायालय में कहा था कि हम एक माह में नाली का निर्माण कर देंगे। फरियादी काशी प्रसाद साहू ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुए नगरपालिका ने काशी प्रसाद को ही अनधिकृत रूप से एक नोटिस दे दिया, जिसका उन्हें अधिकार भी नहीं था। इसके बाद काशी प्रसाद ने फिर से न्यायालय की शरण ली और सारे दस्तावेज भी पेश किए और न्यायालय से काशी प्रसाद ने नगरपालिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा सीएमओ के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया गया था और शीघ्र नाली निर्माण न करने पर मोटर वाहन कुर्सी टेबल एसी जब्त किया जाए। इसी वारंट की तामिली में करने गए न्यायालय के आदेशिका वाहक आरक्षक ने बताया कि आज न्यायालय के आदेश अनुसार वारंट में उल्लेखित चीजों को जब्त किया गया है। फिलहाल जब्त सामग्री को सुपुर्दगी में दे दिया गया है। नगरपालिका सीएमओ के द्वारा न्यायालय के आदेश की अनदेखी और न्यायालय की इस कार्रवाई के बाद नगरपालिका की कार्यप्रणाली और सीएमओ की खासी किरकिरी भी हो रही है। क्या नाम है आपका, किस पद पर? मेरा नाम रमेश प्रसाद द्विवेदी है, जिला छतरपुर से आया हूँ। आज इसका वाहक पद पर आज किस तरह की कार्रवाई नगरपालिका में की गई? क्या मुझे जो है दिनांक 5 तारीख को वारंट मिला था, 6 तारीख को शासकीय अवकाश होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं आया जी। 5 तारीख को शाम को आया था यहाँ, मुझे कोई नहीं मिला था, एक कर्मचारी नगरपालिका परिषद का मिला था जिसका नाम मुकेश रायकुमार है, वो संविदा कर्मी था। उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि शनिवार है, छुट्टी रहती है, शनिवार एतवार की छुट्टी होने का, आज मैं सोमवार को नगर पालिका परिषद आया न्यायालय के आदेश अनुसार। किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या क्या जब्त? यहाँ पे जब्ती की कार्रवाई की है जो अब मेरे वारंट में लगी है। क्या 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 जब्ती की है? कार्यालय के अंदर टीमों का जो चैम्बर है वहाँ मैंने जब्ती की कार्रवाई की। क्या क्या जो अब जब्त जो किया है वो मेरे वो बता रहा है नोटिस, मैं वारंट में लेता। नहीं नहीं, फिर भी बता दीजिए क्या क्या जब्त किया। मैंने टेबल जब्त की है, कुर्सी का चैम्बर की चीज की है जी, और टीवी से ठीक की है, एसी सी किया है, दो पंखे। जब्त सामग्री कहाँ ले जाए? जब्त सामग्री जो है मैं वहाँ, यदि कोई सक्षम कर्मचारी या अधिकारी कोई मिलता है तो न्यायालय को यह आदेश है और हम लोगों को यह अथॉरिटी रहती है कि हम वहीं उनको सुपुर्दगी में दे देते हैं। क्या सुपुर्दगी में दे दिया? सुपुर्दगी में सामान हमने सब दे दिया। उसका यूज कर सकते हैं? नहीं, वो यूज नहीं करेंगे, अब लोग कुछ करें, जो हमारी शर्तें हैं वो हमने शर्तें उसमें लिख दी है, लिख दी है कि आप उनको दान नहीं कर सकते हैं, ना आप उनको विक्रय कर सकते हैं, ना आप किसी को गिरवी रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसा करने में सफल वो रहे तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि आपकी चले उम्र का संपत्ति से उच्च राशि आपको सुन ली जाएगी। उसमें क्या वो यूज होना है? क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, चैम्बर में जो सामान, क्या वो सामान यूज कर सकते हैं या नहीं? चैम्बर सील करने का कार्यालय को कोई सामान, क्या सामान यूज कर सकते हैं? सामान वो यूज करें या ना करें ये सुपुर्दगीदार की जिम्मेदारी। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।